गढ़वाल सभा जयपुर राजस्थान में आज नई कार्यकारिणी का शपथ आयोजन संपन्न हुआ। इस बार कार्यकारिणी का गठन निर्विरोध तरीके से संस्था के मेंबर द्वारा किया गया। कार्यकारिणी के अध्यक्ष श्री जेपी कुकरेती, उपाध्यक्ष रेवत सिंह रावत, सचिव प्रेम सिंह रावत और कोषाध्यक्ष नरेंद्र हिंदवान जी को कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री बीएस रावत, रावत एजुकेशनल ग्रुप के चेयरमैन द्वारा शपथ दिलाई गई। साथ ही कई और मेंबर को कार्यकारिणी में शामिल किया गया और शपथ दिलाई गई। सबसे अच्छी बात यह रही कि रॉयल हिमालयन सेवा समिति का विलय गढ़वाल सभा में किया गया और रॉयल हिमालयन सेवा समिति द्वारा 1.5 लाख रुपये का फंड भी गढ़वाल सभा को डोनेट किया गया। कार्यक्रम के दौरान मौजूद गणमान्य लोगों में डॉक्टर TC पाठक, चेयरमैन किड्स क्लब सीनियर सेकेंडरी स्कूल सालिनी बिस्ट, डायरेक्टर चंद्रा फर्नीचर, पूर्व सचिव प्रशांत डोभाल और इंद्र पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर दीप सिंह रावत और कई गणमान्य लोग शामिल हुए। TV मीडिया ग्रुप जयपुर प्लस न्यूज नई कार्यकारिणी को तहे दिल से बधाई और शुभकामनाएं देता है और साथ ही संस्था को नई बुलंदियों तक पहुँचाने की कामना करता है। शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर मेरे यहाँ पर सीनियर्स बैठे हैं बहुत सारे। मैं बधाई देना चाहता हूँ नव नियुक्त कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को, महिला शक्ति को, युवा साथियों को, सभी पदाधिकारियों को। इन सब की मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में गढ़वाल सभा सशक्त, मजबूत और ताकतवर बनेगी और जयपुर शहर के अंदर एक नाम होगा और निरंतर ये आगे बढ़ती रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित गढ़वाल सभा के संविधान के प्रति पूरी श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखूंगा तथा सभा की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं जीपी कुकरेती अपने पद के कर्तव्यों का पूरी निष्ठा, लगन, ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ में पालन करूंगा। धन्यवाद। रेवंत सिंह रावत, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं TV द्वारा स्थापित गढ़वाल सभा के संविधान के प्रति पूरी श्रद्धा और सच्ची निष्ठा से रखूंगा तथा सभा की प्रभुता और अखंडता अशुद्धता रखूंगा। मैं रेवंत सिंह रावत अपने पद के कर्तव्यों का पूरी निष्ठा, लगन, ईमानदारी और निष्पक्षता से पालन करूँगा। ईश्वर मेरी सहायता करे। धन्यवाद। मैं प्रेम सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित गढ़वाल सभा के संविधान के प्रति पूरी श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखूंगा, सभा की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं प्रेम सिंह रावत अपने पद के कर्तव्यों का पूरी निष्ठा, लगन, ईमानदारी और निष्पक्षता से पालन करूंगा। ईश्वर मेरी मदद करे। धन्यवाद। गढ़वाल सभा ईश्वर शपथ लेता कि विधि द्वारा स्थापित गढ़वाल सभा संविधान के प्रति अपनी पूरी श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखूं तथा सभा प्रभुता और अखंडता सुनवाण में अपन पूर्ण सहयोग दूँ। मैं नरेंद्र हिंदवान अपन पद के कर्तव्यों की पूरी निष्ठा, लगन और ईमानदारी और निष्पक्षता से पालन करूँ। मैं प्रशांत डोभाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि ईश्वर की शपथ लेती हूँ संविधान के प्रति पूरी श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखूंगा तथा
सबसे पहले तो मैं गढ़वाल सभा की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी जो कि निर्विरोध निर्वाचित हुई है उसको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और साथ साथ में मैं आपके माध्यम से ये खबर भी देना चाहूँगा कि रॉयल हिमालयन जो सेवा समिति थी जिसके कि अध्यक्ष श्रीमान प्रेम सिंह जी रावत थे, आज उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम किया है। समाज हित को देखते हुए उन्होंने अपने रॉयल हिमालयन को डिसॉल्व किया है और उसको मर्ज कर दिया है गढ़वाल सभा के साथ। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ है और साथ में बहुत बड़ी बात है कि 1,50,000 रुपये का फंड भी इन्होंने साथ में गढ़वाल सभा को ट्रांसफर किया। एक ऐतिहासिक क्षण है और गढ़वाल सभा के लिए एक बहुत ही खुशी का पल भी है कि आज से फिर और ज़्यादा स्ट्रेंथन जो है ये सभा हो रही है। इसके लिए प्रेम सिंह जी और इनकी पूरी टीम बहुत बहुत बधाई की पात्र है। साथ ही साथ मैं जीपी कुकरेती साहब को, प्रेम सिंह जी को, श्रीमान हमारे रेवत सिंह जी भाई साहब को और हिंदवान जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये आशा करता हूं समाज की तरफ से कि वे एक नई दिशा और दशा प्रदान करेंगे समाज को। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गढ़वाल सभा के आज जो है शपथ ग्रहण समारोह था जिसमें कि समाज के जो है सभी सदस्यों द्वारा निर्विरोध हमें यहाँ पर जो है एक जिम्मेदारी सौंपी गई है। हम विश्वास करते हैं, हम पूरा यकीन दिलाते हैं और हमें विश्वास भी है कि हम सभी समाज के लिए बढ़िया से बढ़िया काम करेंगे। जो भी समाज को आगे ले जाने के लिए जो भी संभव होगा वो सब हम निस्संदेह करेंगे, धन्यवाद। कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण आयोजित किया गया है जिसमें हमारे समाज के सभी बुद्धिजीवी सदस्य एंड साधारण सदस्य आज शामिल हुए हैं। इसके साथ ही हमारे समाज का दीपावली मिलन समारोह भी इसके साथ ही रखा गया है और इस ये जो कार्यकारिणी आई है इसको निर्विरोध सभी सदस्यों द्वारा निर्विरोध निर्वाचित किया गया और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हमारा पूरा सहयोग करेगी और हम इस गढ़वाल सभा को नई एक ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और कुछ अलग हटके करके दिखाएंगे, ये मैं अब आज कहता हूँ। और इसमें हमारे सभी सदस्यों का, कार्यकारिणी का पूरा सहयोग रहेगा ऐसा मेरा मानना है। यहाँ पे पधारे हुए सभी अतिथियों का मैं पुनः हार्दिक अभिनंदन आभार व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सभी का ये साल मंगलमय रहे। समाज के हित के लिए बहुत वर्षों से जो इस कार्य कर रही है और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में भी ये इसी तरह निरंतर राजस्थान में के जो प्रवासी उत्तराखंडी है उनके हितों के लिए कार्य करती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी नई कार्यकारिणी जिसका शपथ ग्रहण समारोह और मेरे साथ में खड़े हैं हमारे नव निर्वाचित निर्विरोध निर्वाचित श्री प्रेम सिंह जी भाई साहब जो अब गढ़वाल सभा के आगे जो वर्ष है कार्यकारिणी वर्ष है उसको संभालेंगे, उसका पदभार संभालेंगे और जैसा कि आज भव्य कार्यक्रम हुआ है आप देख रहे हैं निश्चित रूप से एक नई ऊंचाइयां, नया परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। गढ़वाल सभा जयपुर हमेशा कुछ ना कुछ नया करता हुआ आया है और प्रेम सिंह जी भाई साहब के सानिध्य में और जो हमारे अध्यक्ष जी हैं श्री जीपी कुकरेती जी उनके भाई साहब के और श्री हिंदवान जी नरेंद्र हिंदवान जी जो कि कोषाध्यक्ष हैं उनके सहयोग से, उनके आशीर्वाद से, उनके निर्देशन से, उनके पथ प्रदर्शक होने के नाते जो नया हमको देखने को मिलेगा सभा को वो नई निश्चित रूप से सभी गढ़वाल सभा जयपुर वालों को बहुत आनंददायक होगा और कुछ नई विकासशील बातें होंगी। बहुत सारे लक्ष्य भाई साहब ने रखे हुए हैं, उन्हें साधना है तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मैं प्रशांत डोभाल पूर्व महासचिव होने के नाते नव निर्वाचित कार्यकारिणी को बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ। साथ ही भाई साहब ने मुझे थोड़ी सी छोटी जिम्मेदारी दी है सांस्कृतिक सचिव होने के नाते, तो कार्यकारिणी में रह करके अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाएंगे और आगे नए नए अवसर पैदा होते रहेंगे गढ़वाल सभा जयपुर के माध्यम से। धन्यवाद।